सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फोन पे ऐप यूज करते हैं और आप अपने फोन पे में अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं और उसे कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना UPI फिट करना चाहते हैं, तो कैसे आप अपने आधार कार्ड से अपने फोन पे में अपना UPI फिट करेंगे और कोई भी ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको यही करके बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आधार कार्ड से अपने फोन पे में अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर पाएंगे और अपना UPI फिट करके कोई भी ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन में अपने फोन पे ऐप को ओपन करना होगा और जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में अपने फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे तो फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉग इन हो जाना है। आपको उसी मोबाइल नंबर से लॉग इन होना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को अपने फोन पे ऐप में लिंक करना होगा। तो कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को अपने फोन पे ऐप में लिंक करेंगे, वो चलिए मैं वो आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है कि फोन पे में आपको ऐड एड्रेस के बगल में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन शो करेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और कुछ ऑप्शन इस तरह से ओपन होकर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा बैंक अकाउंट का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपने फोन पे में जो भी अपना बैंक अकाउंट लिंक करके रखे होंगे वो यहाँ पे इस तरफ से शो करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे में ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो करेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंकों का एक लिस्ट इस तरफ से ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंक है जो यहाँ पे इस तरफ से ओपन होकर आ गए हैं। यहाँ से आपको क्या करना है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसको यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक्सिस बैंक है, तो यहाँ से मैं अपने एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइंडिंग अकाउंट लिंक्ड विथ मोबाइल नंबर, जो मेरा मोबाइल नंबर से मेरा जो बैंक है वो मेरे फोन पे में लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि थोड़ी देर वेट कर लेना है। और जैसे ही आप थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो आपका अकाउंट होगा वो इस तरह से फाइनली लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद आपको क्या करना है कि आपका अकाउंट जो है वो लिंक हो गया है, अब आपको अपना UPI फिट करना है। तो कैसे आप अपना UPI फिट करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फोन पे में अपने किसी बैंक अकाउंट को पहली बार लिंक कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको रिसेट की जगह पे सेट UPI पिन का ऑप्शन शो करता है। तो मैं पहले से ही अपने एक्सिस बैंक को अपने फोन पे में लिंक कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरे को रिसेट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ATM और डेबिट कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे आपको दे रहा है कि इंटर लास्ट फिक्स डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर। लेकिन अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको आधार कार्ड से क्या करना है, आधार कार्ड से आपको UPI फिट करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे आधार नंबर का ऑप्शन शो करता है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर इज सेट UPI पिन यूजिंग आधार नंबर लिंकड विथ बैंक। यहाँ से आपको क्या करना है कि एक्सेप्ट एंड प्रॉफिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो मेरा फोन पे है मेरे आधार कार्ड से लिंक हो रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर इज इंटर द फर्स्ट फिक्स डिजिट ऑफ आधार नंबर, आपको अपने आधार नंबर का स्टार्टिंग का 6 डिजिट यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं आपको ये प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं अपना आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 6 डिजिट यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 6 डिजिट यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली प्रॉफिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप प्रॉफिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेरीफाइंग का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जो मेरा आधार है वो मेरे फोन पे में मेरे मोबाइल नंबर से वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे आधार OTP भी आ चुका है और जो आधार OTP है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि राइट मार्क वाले निशान पे क्लिक कर देना है। राइट मार्क वाले निशान पे क्लिक करने के बाद आपका बैंक का OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो कि ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है कि राइट मार्क वाले निशान पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप राइट मार्क वाले निशान पे क्लिक कर देंगे तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दे रहा है कि सेट फिक्स डिजिट UPI पिन। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको अपना 6 डिजिट का UPI पिन सेट करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से अपना 6 डिजिट का UPI पिन सेट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से अपना 6 डिजिट का UPI पिन फिलअप कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से आपको दोबारा से इसे राइट मार्क के निशान पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे आपको दोबारा से अपना UPI पिन को फिलअप करना होगा। और जैसे यहाँ से अपना दोबारा से UPI पिन को फिलअप कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से आपको फिर से राइट मार्क वाले निशान पे क्लिक कर देना है। राइट मार्क वाले निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करना होगा।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा बैंक अकाउंट है वो फाइनली लिंक हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करना है, जो आपका बैलेंस है वो चेक करना है, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि जो आपका UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेट हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने उस बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो करता है चेक बैलेंस का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपने जो भी अपना UPI सेट किया होगा वो UPI यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं अपना UPI फिलअप कर देता हूँ। UPI फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि राइट मार्क वाले निशान पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप राइट मार्क वाले निशान पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो देख रहे हैं कि मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है वो यहाँ पे 3 रुपये शो कर रहा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके आप अपना कोई भी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो शो कर रहा है, अगर मैं आप कोई भी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने फ़ोन अपने किसी बैंक अकाउंट को लिंक करके अपने आधार कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मुझे आपको बस यही बताना था कि कैसे आप अपने फोन पे में अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके आप अपना कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फोन पे में या किसी भी पेमेंट ऐप में कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।